मेडिटेशन इज बेसिकली लाइफ अपना पैशन बिल्कुल फॉलो करो आपके पैशन को आप पूरा 100 परसेंट दो तो मेरे को याद है प्रिंसिपल सर हमारे घर पे आ गए थे तो अच्छा थो थोड़ी पिटाई विटाई हो गई <laughs> तो पापा कहते हैं कि हड्डियां छोड़ देना इसकी बाकी आप जानो ओ उसकी आप बिलीव नहीं करोगे 92 परसेंट थी स्टिल वो रो रही थी तीन दिन तक रोई है वो औरत स्कूल निकलेगा फिर कॉलेज निकलेगा फिर घर परिवार निकलेगा दुनिया निकलेगी कटु सत्य हाँ। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है अमर ने लिव इन द प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा वो आपको पता नहीं काफी इंटेंस ओके सो अमर तैयार है आप कुर्सी की पेटी बांध लिया आपने <laughs> रोलर कोस्टर राइट चालू की जाए ऑल द बेस्ट हाई एवरीबाडी दिस इज जो शिवांगी एंड आप मुझे सुनते हो डेली मंडे टू सैटरडे फाइव टू एट पी एम ओली और नाइनटी फाइव एफ एम तड़का और अभी Uh, uh, sure कहीं इनकी हमें है, कैसे है आप? बढ़िया। Same time, पर ना हाउ आई यू कैसे हैं आप <laughs> 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 मैं बहुत बढ़िया आप बताइए कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक आने का नहीं अच्छा था पहले आप आ चुके हैं हाँ, काफी बार मैं आ चुका हूँ और... जयपुर फिर अपना शहर है तो ओके सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप हमारे लिसनर्स को आप जनता को अपने बारे में बताएं दैट हु इज अमर हु एक्चुअली अमर इज बेसिकली आई हैव स्टडीड अब्रॉड एंड देन दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्ट्स सो बाहर से एजुकेशन करी वापस जयपुर आए देन सो द एजुकेशन सिस्टम हियर क्वाइट डिप्रेसिंग आई वुड से एंड देन उसके बाद में कोशिश थी कि कैसे स्टूडेंट्स को हम एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे वो अच्छी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस और वाकई में एजुकेशन ले सके तो मेरिडियन ओवरसीज मैंने स्टार्ट किया एंड उसी को लेते हुए हम लोग मेरिडियन को बनाते चले गए आज हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन यूरोप में दिलवा रहे हैं काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर विदाउट फीस बच्चे जा पा रहे हैं और काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी फीस है बट देन द यूनिवर्सिटीज़ आर इन ग्लोबली टॉप हंड्रेड तो ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एफर्ट करने की हेल्प uh, करने की हम कोशिश कर रहे हैं और साथ में जैसा आपने कहा वो इज हमर तो बिजनेस mm. uh, के साथ साथ बिजनेस में हमने काफ़ी अच्छा भी करा है हम वी ऑलरेडी गॉट अराउंड एलेवन ऑफिस अक्रॉस इंडिया इन लास्ट स्पेन ऑफ लास्ट सिक्स ईयर्स और उसका सबसे बड़ा रीजन था बिकॉज ऑफ आर डिजिटल प्रजेंस और लोगों के ऊपर लोगों का जो मेरे ऊपर ट्रस्ट था थ्रू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो so, वो सब मैं करता हूँ साथ में आई एम वेरी मेडिटेशन की काफ़ी सारी teachings, uh, कराता भी हूँ और करता भी हूँ सो दिसम ट्राइंग टू लर्न एंड एस्टेब्लिश समॉर आर फ्यूचर जनरेशन दैट इज दोटिवेशन है मेडिटेशन सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो कह सकते हो बट मेडिटेशन इज बेसिकली लाइफ एंड द बेटर वे ऑफ लिविंग लाइफ आई मीन आई कैन सी द ओनली गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ ओके नहीं आई कैन सी योर पर्सनालिटी इज सो Calm एंड सूदिंग सो ये क्या मेडिटेशन का असर है या फिर आप पहले से ही ऐसे थे हां टॉप अप किया है मेडिटेशन ने आपकी लाइफ में नहीं नहीं टॉप अप नहीं है बिल्कुल रेडिकल चेंज है ओके सो इट्स नॉट लाइक सो बट 10 20% ग्रोथ नहीं इट्स 100% चेंज ओह ओके सो अगर मैं उसकी बात करूँ तो बेसिकली आई थिंक आई गॉट इन टू मेडिटेशन इन टू थाउजेंड थर्टीन और फोर्टीन ऑलमोस्ट लाइक टेन ईयर्स नाउ ओके एंड देन आई गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट आश्रम्स की सर्चिंग फॉर समथिंग ब्यूटिफुल एंड देन इवेंचुअली आईव रियलाइज दैट ओके दीज आर द द्लेस वेर आई शुड विजिट एंड दीज आर द टेक्निक्स विच आई शुड फॉलो और वही मैं करता जा रहा हूँ एंड इट इज गिविंग मी सच अ ब्लस और जो लाइफ को लेके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको लेके हम उलझे रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में जो अभी यूथ भी जो उसको आप कह सकते हो उलझा ही रहता है उनसे आप एकदम से बाहर आ सकते हो मतलब ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू और आप बाहर आ जाते हो एंड देन ओके सो अमर ये तो हो गई मेडिटेशन की बात अब अपन डिजिटल की बात करते हैं जैसे नाउ डेज डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोग आ, लोग बाग को कुछ समझ नहीं आता इनफैक्ट अगर कुछ उनके कोई चैप्टर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है या क्या सर्च करना है कौन सा करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें जानने के लिए किसी से बात बात में करते हैं पहले वो गूगल की हेल्प या यूट्यूब की हेल्प yes. पहले लेते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में आई मीन इट इज़ इट इज़ आई मीन पॉजिटिव इन सम और द अदर वे और इट इज़ गिविंग सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल और बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो उसको हमें नेगेटिव लेने के लिए हमारा माइंड हमें फोर्स करता है जैसे ट्रैक्टर्स सबसे पहले आए थे खेती बाड़ी के अंदर तो जैसे ही ट्रैक्टर्स आए थे लोग बड़ा नेगेटिव लेते थे कि अब तो सिर्फ अमीर लोग ही खेती कर पाएंगे अच्छा। और लोगों को जो भी छोटे मजदूर हैं उनकी सबकी नौकरियाँ चली जाएगी सेम आज तक हम इंटरनेट को लेके जबकि अब तो ये नया भी नहीं रहा काफ़ी दस पंद्रह साल तो कम से कम गूगल को ही हो गए mm -hmm. तो आज बीस साल बाद में दो डिकेट्स बाद भी हम कह रहे हैं कि बच्चों के लिए नेगेटिव है या mm -hmm. ये है या वो है इट डिपेंड्स कि आप कंज्यूम कैसे करते हो एंड देन इट कम्स बैक टू हाउ यू एजुकेट अबाउट न्यू थिंग्स टू योर किड्स अगर आप नई चीज को इंप्लीमेंट कराने में एजुकेट नहीं कर पा रहे हो उनको देन इट्स अ प्रॉब्लम तो इंटरनेट बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है उनको देखना चाहिए उनको यूज करना चाहिए एंड दे शुड कंज्यूम कंटेंट विच इज हेल्पफुल टू दैम

पूरी अपनी जिंदगी में ज़्यादा से ज्यादा जयपुर तक आ पाता था hmm. और वो खत्म हो जाता था hmm. इंटरनेट ने उसके लिए दुनिया खोल दी है उसके मोबाइल पे Correct. तो ही कैन कंपेयर हिमसेल्फ विद पर्सन लिविंग इन न्यूयॉर्क पर्सन लिविंग इन लंडन एंड देन सी की आर देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अस पहले वो सिर्फ सुनता था अब वो देख सकता है कि क्या डिफरेंस है वो लोग कैसे बात करते हैं हम लोग कैसे बात करते हैं वो कैसे सोचते हैं hmm. अगर बंदा चाहे तो इंटरनेट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके और वो अपने आप को डेवलप कर सकता है और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर ला सकता है करेक्ट uh, ये आपने बहुत सही बात बोली है बिकॉज मेरे घर पे भी बहुत बार बातें होती हैं इनफैक्ट मेरी मम्मी खुद भी बोलती है कि हमेशा फ़ोन में लगी रहती है लैपटॉप लेकर के बैठी रहती है एक तो आधा टाइम तो ऑफिस में जाता है तो जितना टाइम यहाँ पर रहती है वो लैपटॉप उनको ये नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ उनको लगता है मैं गेम खेल रही हूँ नहीं मम्मी मैं पबजी नहीं खेलती कमॉन <laughs> बैन भी है वो

अपने पेरेंट्स को ले लो या किसी को भी ले लो अगर वो किसी चीज़ से फैमिलियर है अगर उस चीज़ को वो समझते हैं तो उसमें वो आपकी तारीफ करने से भी नहीं रुकेंगे लेकिन जैसे ही उनके लिए कोई नई चीज़ आ गई जैसे इंटरनेट आ गया मोबाइल आ गया कुछ भी नया आ गया तो वो उसकी फिर उतनी जोर शोर से उसकी बुराई करने से भी नहीं रुकेंगे तो दिस इज़ समथिंग टू डू अगेन विद मेडिटेशन कि आपके माइंड को आप किस तरीके से चला पाते हो किस तरीके से आप ओपन टू न्यू थिंग्स हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि Uh, हमें ना शांति से सोचना चाहिए इनके बारे में क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में ले जाती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और जैसे अगर जैसे आप पेरेंट्स की बात करें तो मेरे फादर वोज अगेंस्ट मोबाइल की क्यों यूज़ कर रहे हो हु? वो कभी uh, मोबाइल नहीं चलाते थे एज इन इंटर पिछले एक साल से उनको व्हाट्सएप और ये सब चलाना आ गया <laughs> तो अभी स्टेटस रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स वो सबसे ज्यादा देखते हैं दिन में आठ से नौ घंटे फोन में रहते हैं बट नाउ ही इट से एनीथिंग फोन क्यों चला रहे क्योंकि

अच्छा अमर आप आ, एक ऑन्टप्रन्योर हैं एंड काफ़ी सक्सेसफुल हैं तो आई एम श्योर आज के टाइम पर जब टीचर स्टूडेंट से पूछते हो ना जो टेंथ या नाइन्थ या एर्ट्थ के स्टूडेंट्स हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के तो डॉक्टर इंजीनियर सी ए सी एस ये सब तो चलो ठीक है साइड में लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बोलते होंगे आई वॉन्ट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनना है या मुझे ऑन्टरप्रेन्योर बनना है मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप आई मीन आई नो स्टार्टअप्स में बहुत स्कोप है जैसा कि हम लोग इतने टाइम से देखते आ रहे हैं और कंपैरेटिवली बहुत सारे ओपन भी हुए हैं एंड आइडियाज़ हैं लोगों के पास में फ़ंड्स की बात आती है बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं तो जो लोग अभी उस स्टेज में है लाइक स्कूल और कॉलेज में है लेकिन प्लान है उनके दिमाग में ऑलरेडी उनके लिए क्या कहेंगे आप देखिए स्कूल्स और कॉलेजेस में जब हम थे ना तो हमारे टाइम पे ना इंटरनेट था हुँ. ना हमारे पास इंफॉर्मेशन थी बहुत कोई रेयरली था जिसने बाहर आउट ऑफ बॉक्स जाके अपना एक बुक खरीद के कभी रीडिंग भी कर ली हो hmm. पूरे स्कूल में हम किसी को भी नहीं जानते थे जो बुक रीड करता हो अलग से अदर देन नॉवल्स पढ़ रहा है या okay, कुछ पढ़ okay. रहा है बट इफ़ यू गो टॉक अबाउट ऑन्टरप्रीनरशिप बुक्स और जैसे बड़े बड़े बिजनेस मैं बुक तो कोई हमारे ट्वेल्थ तक हम किसी को नहीं जानते थे hmm. जो पढ़ते ना हमें टीचर्स वगैरह सजेस्ट करते आज की डेट में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है आपका जो पैशन है उसको आप थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दो फॉर एग्जाम्पल एट्थ से लेकर ट्वेल्थ तक या कॉलेज में हम देखते हैं बच्चे बहुत कम टाइम होता है जो एजुकेशन की तरफ हमें डिवोट करना पड़ता है बेसिकली hmm. अगर हम दिन में देखें तो तीन से चार घंटे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो अच्छा लगता है हम वो करें hmm. अभी क्या है ना कि दिस इज द बेस्ट टाइम इसमें आपका कोई प्रेशर नहीं है कि बेटा कमा क्यों नहीं रहा hmm. या तू कुछ कर ले जिंदगी में फालतू क्यों डोल रहा है क्योंकि पेरेंट्स तो पूरा आपको इंडिया में एक चीज बहुत अच्छी है कि पेरेंट्स एजुकेशन पर पैसा लगाने से नहीं डरते तो आपको ना पूरा टाइम देते हैं कि बेटा पढ़ता रहे बेटा पढ़ता रहे तो आप एकदम फ्री हो पेरेंट्स की तरफ से आप पे कोई प्रेशर नहीं है और ये आपके पास करीबन सात से आठ साल हैं जिनमें आपको कुछ करना है तो आप आराम से विदाउट प्रेशर कर सकते हैं hmm. जिसके अंदर आपके ऊपर एक्सटर्नल किसी तरीके का प्रेशर नहीं है hmm. तो ये तीन चार घंटे आप अपने पैशन को ढूंढो और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर कि आप मनी को सेकेंडरी रख दो अगर आप पैसा उसमें जोड़ने लग गए hmm. मेरे को नहीं लगता कि ट्वेल्थ तक का बच्चा पैसे के प्रति देखता भी होगा उस चीज को तो दिमाग दिस इज द बेस्ट थिंग टू गो अड विद कि आप कॉलेज जैसे पास कर लेते हो एक बार जॉब में आ जाते हो या कुछ भी कर लेते हो तो फिर पैसा इज एवरीथिंग फॉर यू बहुत हद तक पैसे से ओरिएंटेड आपके डिसीजनस रहते हैं या पैसा एक फैक्टर रहता है आपके डिसीजन में लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसी एज है जिसमें पैसा आपको पेरेंट्स से मिल रहा है और पैसे के बिना आप डिसीजन ले पा रहे हो तो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी आप में ज़्यादा है तो अपने पैशन को फॉलो करो उसके ऊपर अपनी एजुकेशन लेते जाओ और किसी चीज़ से ना डरो मत स्पेशली एक जो सेल्फ uh, इमेज हम बना लेते हैं ना एक शेल के अंदर हम चले जाते हैं छोटी सी इमेज बना लेते हैं कि स्कूल के अंदर हम बहुत अच्छे हैं अब अगर मैं कुछ भी अलग करूंगा तो पूरा स्कूल मुझे क्या कहेगा वो स्कूल हमारे लिए इतनी बड़ी दुनिया हो गई कि बस सब कुछ वही है लेकिन आप थोड़े से आगे जाओगे आपको पता लगेगा स्कूल में कोई याद भी नहीं कर रहा अब आपको है ना ऐसे पूरी लाइफ चलता रहेगा आपका स्कूल निकलेगा फिर कॉलेज निकलेगा फिर घर परिवार निकलेगा दुनिया निकलेगी और आप उस इमेज को बचाते 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 एक दिन निकल लोगे खुद इम्पॉर्टेंट है या समझना ये कटु सत्य हाँ कि इमेज आपकी है नहीं वो आपके सिर्फ दिमाग में है तो उससे डरो मत कि मुझे कौन क्या कहेगा मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बी ब्रेव बी कॉन्फिडेंट एंड डू इट और अपना जो पैशन है ना उसको पॉजिटिवली आप मेरे ख्याल में उसके बारे में सीखो और उसको फॉलो करो काफ़ी सारे रास्ते आपको ऐसे निकलेंगे आज यू की हम बात करते हैं यूके की हम बात करते हैं कि ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर नहीं है और वो उनको शुरू से ही बिजनेस को एक अच्छी चीज़ बोली जाती है जैसे मैं अगर बात करूँ कि ट्वेल्थ के बाद में मैं अगर पेरेंट्स को कहता कि मेरे को जॉब करनी है तो ऐसा हो जाता है जैसे कोई मैंने किसी का मर्डर करने की बात कर दी हो राइट right? हाँ. क्योंकि जॉब आप नहीं कर सकते आपको फिक्स है कि आप अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करो उसके बाद में जॉब करो बट एजुकेशन आप कर किस लिए रहे हो तो ताकि आप पैसा कमा सको थोड़ी समझ पैदा कर सको आज वो समझ भी आप फ्री में अच्छी पैदा कर सकते हो और पैसा भी बिना एजुकेशन के अच्छा कमाया जा सकता है तो एजुकेशन इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ कुछ प्रोफेशन है जिनमें बहुत जरूरी है डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं जिसके अंदर वाकई में एजुकेशन लग रही है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन अभी जैसे काउंसलिंग है या कंसल्टेंसीज ओपन करनी है आपको तो उसके अंदर आपको ऐसी एजुकेशन चाहिए जिसका ट्रेडिशनल एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है करेक्ट फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप अब साइंस पढ़ के क्या करोगे <laughs> <laughs> But, uh, I'm telling you, बहुत बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों की सीट सीट खाई है exactly, है और exactly. और वो बने बैठे क्यों वेस्ट करी सीट यार <laughs> so ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे और आप सोचो कि कि अगर आपको एट्थ या में पता लग जाता कि मुझे आरजे बनना है हाँ. तो आप उसके ऊपर कितना डेवलप कर सकते थे कितना काम कर सकते थे जैसे आपने अभी इंटर्नशिप्स मैंने करते मजा भी आता आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता और आप कब से आरजे बन चुके हो मुझे सात साल की जगह 14 साल हो चुके होते इस इंडस्ट्री में एक्जेक्टली <laughs> <Exactly. laughs> और हो सकता है कि उसे उस ऐसे क्योंकि हम छोटे होते हैं ना हम फटाफट चीजें सीख लेते हैं जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है मेरी सीखने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है अच्छा अमर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में जब वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं उनको लेफ्ट जाना है राइट right जाना है आगे जाना है पीछे जाना है इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है या, या तो हो सकता है कुछ पीयर प्रेशर या कुछ पेरेंट्स के दबाव की बात कर ले हम या फिर उनका दिमाग कुछ और चाह रहा है तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं उस कन्फ्यूजन से निकलने का बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है लाइक वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं अगर मैं इनकी बात सुनूंगा तो शायद मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा मुझे ये करना चाहिए अब करियर चॉइस की बात करियर चॉइस exactly. में जो कन्फ्यूजन आता है उसका क्या करें उसको कैसे डील करें जी देखिए करियर के अंदर दो चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी एक तो हमें ब्रेड एंड बटर चलाना है और एक हमें खुश रहना है ठीक है दोनों चीज़ें अलग अलग हैं आप ब्रेड एंड बटर चला सकते हो किसी भी काम को करके लेकिन आप उसमें खुश नहीं रह सकते आप खुश रह सकते हो किसी भी काम को करके लेकिन आप उसमें फिर ब्रेड एंड बटर जरूरी नहीं है कि आए तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंस देखना पड़ेगा ठीक है पेरेंट्स भी आपके कोई ख़िलाफ़ नहीं है वो भी यही चाहते हैं कि एक बैलेंस बच्चा इसका अच्छी इनकम भी होती रहे और ये खुश भी रहे कोई पेरेंट्स आप ये नहीं सुना होगा कि ये दुखी रहे <laughs> या ये कम कमाए ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं चाहते एक्जैक्टली exactly. हमारे साथ अभी क्या हो रहा है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो एक एक्सट्रीम को पकड़ रहे हैं hmm. या तो उनको अगर पैशन फॉलो करना है तो पैशन में चले जा रहे हैं और उनकी फ़ाइट गई कि ये पैशन है और पेरेंट्स से फाइट करना ही उनकी फ़ाइट होगी तो हमें वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करनी चाहिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बैलेंस किधर बन रहा है अगर हम बैलेंस बना पाए लाइफ में और हमारा पैशन भी चलता रहे जरूरी थोड़ी है कि हम अगर गिटार बजा रहे हैं अच्छा बजा रहे हैं तो वो हमारा प्रोफेशन ही हो अगर आपको गिटार बजाने में मज़ा आता है और पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले थोड़ा ट्वेल्थ तो पास कर ले ग्रेजुएशन तो कर ले तो गिटार आप बजाते रहो दो घंटे चार घंटे जैसे मैंने बताया आपको चार पाँच घंटे आप जो बजा रहे हो आप अगर अच्छा बजा रहे हो तो छोटा सा शूट करके यूट्यूब पर डालते रहो कहीं और डालते रहो आपका जैसे जैसे लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे पेरेंट्स भी करना स्टार्ट कर देंगे करेक्ट बट अभी हो क्या रहा है कि मुझे गिटार सीखना तो मुझे तो सिर्फ गिटार को ही पंद्रह घंटे देना ना तो वो गिटार बजा रहा गिटार बजाने के नाम पर हयाशिया लग कर रहा है और उसके ब्रेड एंड बटर भी वो आगे जाके सफर करेगा okay. तो पेरेंट्स की जो चिंता है वो ये है कि बच्चा आगे जाके परेशान ना हो hmm. तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए जब भी बच्चा डिसीजन ले कि वो उसमें दोनों एंगल हमारे कंप्लीट हो रहे हैं अगर हो रहे हैं तो देन इट्स गुड और अगर उसका पैशन है तो उसको भी फॉलो करने दो बट जो ब्रेड एंड बटर है जो आगे सेफ गार्ड करना है उसकी लाइफ को वो तो उसको करना ही पड़ेगा तो बच्चों से तो मेरा यही कहना है कि आप अपना पैशन बिल्कुल फॉलो करो आपके पैशन को आप पूरा हंड्रेड परसेंट दो बट एक टाइम बाउंड चीज़ होनी चाहिए कि मुझे चार घंटे छः घंटे इसको देने बाकी टाइम पे मुझे एजुकेशन मेरी लेनी है तो आप बस पूरे चौबीस घंटे हैं आप कुछ भी कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के क्योंकि फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि मेरे को ये करना था और मैं नहीं कर पाया पेरेंट्स की वजह से हाँ. क्योंकि और पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहिए अच्छा आपको ये तीन काम करने ये छह घंटे आप करो बाकी टाइम पे आप छः घंटे पढ़ाई करो बाकी कुछ भी करो हाँ हम मना नहीं हाँ. कर रहे हैं लेकिन ये भी करो और साथ में वो भी करो लेकिन पेरेंट्स भी अपनी फाइट लेके चलते रहते हैं नहीं और बच्चा भी करता रहता नहीं तो हम क्या सोल्यूशन ओरियंटेड थिंकिंग नहीं है हमारी हमारी जो जितना भी मैंने देखा है अपनी सोसाइटीज के अंदर वी डोंट लुक फॉर सोल्यूशन वी लुक फॉर सम कॉन्फ्लिक्ट और उस कॉन्फ्लिक्ट में ही हमें मज़ा आता है वही हमारी लाइफ बन गई है okay. अगर आप देखोगे कि चार बंदे अगर किसी बात पे बहस छिड़ी हुई है तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बहस नहीं हो रही वो बहस इसलिए हो रही है ताकि किसका जो स्टेटमेंट है वो अच्छा है कौन जीत रहा है और चारों मूर्ख है कोई नहीं जीत रहा <laughs> से चारों मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें और वो ट्रिगर हो रही है आर्ग्यूमेंट सोल्यूशन okay, right. कहीं से नहीं आ रहा बट वो लास्ट में सब चारों अपने अपने घर चले जाते हैं बोले मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया जीतता कोई नहीं है वही हालत है तो हमें थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएटेड कम्युनिकेशन जो है घर में डेवलप करना पड़ेगा करेक्ट सो so, बहुत सारी बातें की हमने अमर के साथ में और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है नॉट एग्जैक्टली ब्रेक ब्रेक बट वी आर गोइंग टू प्ले द इवनिंग शो फास्ट टैग विद अमर सो so, अमर मेरे शो में एक सेगमेंट है फास्ट टैग बहुत सारी हमने बातें की है तो थोड़ा सा अभी हम yeah. इसको फन करते हैं मैं आपको एक वर्ड बताने वाली हूँ एंड आपको मुझे उस वर्ड के पाँच यूज़ बताने हैं लाइक लेजिट यूज जिससे उस चीज को यूज कर सकते फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला की चेन तो की चेन के पांच यूज आपको है किस really तरीके से हम <laughs> की चेन को यूज कर सकते हैं इन ट्वेंटी सेकेंड हाँ ये कैच है okay. और जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है फास्ट टैग जल्दी जल्दी डाक करना ताकि ट्वेंटी सेकेंड में वो पूरा हो जाए रेडी right. कोशिश करें करते ऑल द बेस्ट चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टैग ओके टाइमर भी होएगा पास ट्वेंटी सेकेंड का जैसे वो ओवर हुआ आपका टाइम भी इंटेंस <laughs> तो <laughs> <ना। laughs> ये सिग्नेचर म्यूजिक है हमारा कि अब फास्ट टैग स्टार्ट होने वाला है ओके okay, सो so अमर तैयार है आप हाँ जी कुर्सी की पेटी बांध लिया आपने जी रोलर कोस्टर राइट चालू की जाए जी

वेल डन अमर वेल डन सो कैसा लगा तो हम? Brainstorming में आपने नहीं है? हां नहीं मैं समझ गई थोड़ा से पेन लगाइए सोचा विचारी में लगे हुए हैं, ठीक है, है। और राइटिंग पेंटिंग ड्राइंग ये तो उने... हाँ, <laughs> ये, ये तो फिर एक के बाद एक लाइन से याद आ जाते हैं ना हाँ। आ, वैसे पनिशमेंट की भी काम आता है पेन टीचर्स पुराने जमाने के टीचर्स हाँ। यू नो ऐसे करके इधर मैंने कहीं वीडियो देखा था मेरे को कभी मारनी पड़ी है <laughs> बट हमें क्या यूथ से बात करनी है ना वो बच्चे जानते नहीं आज की हाँ एक्चुअली <laughs> मैंने भी नहीं किया मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी

सो so, किसी को भी अगर हाथ उठाना है hmm. किसी पे भी अग्रेसिव होना है तो दैट मीन्स यू उससे हार तो चुके हो पहले ही hmm. नहीं तो आप अग्रेसिव क्यों होंगे करेक्ट सो मेरे देखे अगर कोई हिंसा करता है या कोई भी किसी भी तरीके से मारा मूरी करता है उसका मतलब है कि वो उससे हार चुका है इधर ही कूडन टीच हिम प्रॉपरली इधर हिज आइडियाज आर नॉट इफेक्टिव इनफ ऑन अदर पर्सन कि वो उसको ले सके तभी तो, तो बच्चे जिद करते हैं किसी चीज पे Correct. अगर आप में तरीका है अच्छे से हुँ. अच्छे पेरेंट्स कौन होंगे ढूंढते रहेंगे होते हैं I mean, अगर करना है कि ये तुमने साइनिंग किया है अच्छे से करना था बहुत सारे तरीके होते हैं मेरी माँ मेरे भाई भाई को क्या करती थी कि वो बैठा हुआ है उसको एक सब्जी होती है दही के आलू वो बड़ी पसंद है एक हफ्ते तक नहीं बनेंगे घर में तूने लाठी तो ये, ये uh, हाँ। उठाई तो नहीं थी हाँ। राइट? कोई मारा नहीं कुछ नहीं हाँ। वो क्या कहते भूखा तो रहूंगा अच्छा हाँ। अब गोरे क्या करेगा <laughs> रहेगा ये मरेगा अभी और ये आंदोलन और हो जाएगा सुन लो तो अहिंसा परमो धर्म के हम लोग हैं काम करवा लेती है सर प्रोटेस्ट करती है, भाई, बात नहीं कर है वो मौन व्रत हो जाता है उनका तीन चार आंसू भी दिखाती है आपको बढ़िया और 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 आप सब, सब कुछ करना बढ़िया आपके पास ऑप्शन ये गांधी जी के सूत्र है सारे अच्छा वैसे आप अगर आप किसी से नाराज है तो आप कैसे प्रोटेस्ट करते है आपका तरीका क्या है हाँ ये अच्छा सवाल पर, मेरे को ही फंसा रहे हो आप <laughs> जानना बनता है नहीं मैं अगर किसी पहली बात तो मैं नाराज होता नहीं मैं सेल्फ इवोल्यूशन में चला जाता हूँ फिर अच्छा इस ऐसा <laughs> क्यों किया तो क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में ऐसा वाला नहीं नहीं ऐसा नहीं मतलब अब कैसे नाराज होऊंगा जैसे अब मैं सबसे ज्यादा नाराज तो भी किस पे जाता हूँ वाइफ पर जाता हूँ और तो किस पे इतना होता नहीं वो वो जिससे ज्यादा प्यार करते हैं नाराज उसी पे होते, वो वाला हाँ, तो उस पे होते वाला उस भी पाँच छह <laughs> सोच लेता हूँ और मैं किसी ना किसी तरीके से ह्यूमर ढूंढ लेता हूँ जिससे okay. वापस सही हो जाता है मामला oh. तो नाराज का कोई मेरा ऐसा सेंस है नहीं इतनी बड़ी टीम है नाराज मतलब दो पांच मिनट इनके ऊपर चिल्लाया और फिर बाद में इनको मैं खुद गिल्ट में चला जाता क्यों चिल्ला दिया मैंने

मेरीडियन ओवरसीज़ ये स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे करता है किस हद तक करता है कौन कौन ऐसे बहुत सारे आपके पास में रिजिट केसेस भी आए होंगे तो किस तरीके से आप स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं देखो मेरीडियन ओवरसीज बेसिकली मैं जब गया था खुद यू के एजुकेशन लेने तो मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी हुँ. जैसे मैं वहाँ गया तो एक ऐसे कॉलेज में चला गया जो जाति बंद हो गया और साथ में जहाँ जिस एजेंसी के थ्रू में गया था हुँ. वो यहीं पर दो तीन लाख रुपये मेरे हुँ. निकाल लिए थे तो काफी सारे इश्यूज थे जो वहां जाने के बाद मुझे पता लगा मेरे साथ नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ यही आ रही हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू बट जैसे बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आता है कुछ की कबूतरबाजी वाला सीन हुआ है ऐसे लोगों के पैसे लेकर के निकल गए हैं तो वो वैसा किस्सा बता रहे हैं हाँ मतलब कबूतरबाजी तो बहुत अलग डोमेन हो गया उसमें क्या होता है कि बच्चे को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता ओके okay. वो सिर्फ वहाँ जॉब करने जाना चाहता है तो उसके जैसे पंजाब में चालीस लाख पचास लाख रुपए रेट चलती है कि एक बंदे को यूएस भेजने के पचास लाख रुपए लगेंगे अच्छा हाँ तो वो पहले यहाँ से मॉस्को जाते हैं मॉस्को से फिर वो बाय टनल्स और बाय रोड इलीगल तरीके से वो और वो उसके पचास पचास लाख रुपए देके जाते हैं okay. तो ये एजुकेशन की कमी है हमारे देश में कि पचास लाख रुपये आप इन्वेस्ट करके यूएस में कोई लाइफ बना नहीं सकते इलीगली तो कहीं But, पर भी 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 एक्चुअली आप हमेशा हाँ, डर के उसमें रहोगे कि भाई कभी भी कुछ भी हो बट वो एक चल पड़ा ना, इंडिया में। और गुजरात यहाँ से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आप जहाँ कहोगे वहाँ दे, दे देंगे बस भेज दो हमें तो अभी तो कम आते हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से कम ही बात कर पाता हूँ बट पहले बहुत ऐसी डिमांड्स आती थी तो जो अभी फ्रॉड्स होते थे वो स्टूडेंट्स के साथ भी फ्रॉड्स होते हैं कई बार क्या होता है कि एजेंसीज उनके एडमिशन या ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से मंगा देती हैं पता लगता है बाद में ये तो फ़ेक है ओके okay. तो जो फीस है वो एजेंसीज़ अपने अकाउंट में ले लेती ले है स्टूडेंट्स की तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इंडिया में अगर आप टोटल देखोगे तो पाँच या सात कंपनीज़ हैं जो कि जेनविनली काम करती हैं बाकी सब पैटर्न यही है जहाँ ऑनर का, का काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस है वर्क को लेकर तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती रहती है अगर आप अभी मेरी बात करो तो मैं सिर्फ टीम पे ध्यान देता हूँ मैं डायरेक्टली किसी स्टूडेंट से बात नहीं कर पाता साथ में हमारे सारे ऑफिस में आपको दिखेगा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश okay. हमने सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि कैश आप पेमेंट लोगे नहीं यूनिवर्सिटी की फीस आप लोगे नहीं और मतलब किसी भी तरीके से आप मेरिडियन पेमेंट नहीं लेगा वो यूनिवर्सिटी में ही आप पेमेंट करोगे हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं पाँच हज़ार नौ सौ रुपये वही हम लेंगे इसके अलावा हम कोई चार्जेस बच्चे से नहीं लेते एंड दैट टू नॉट इन कैश दैट टू ओनली डिजिटल पेमेंट सारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और बच्चों को ये तो चलो फ्रॉड की तो मैंने बताई कि ये hmm. इस ये रीज़न था मेरा आने का hmm. लेकिन अभी हमने अचीव क्या करा अगर हम वो बात करें तो हमने राजस्थान के या इंडिया के छोटे छोटे गाँव के जो बच्चे हैं जिनकी सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट ट्वेल्थ में मार्क्स हैं और hmm. जिनका इंडिया के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हो पा रहा mm -hmm. दो दो तीन तीन साल खराब करने के बाद mm -hmm. उनको हमने अप टू हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप पर यूरोप के अंदर इंजीनियरिंग कोर्सेज में जिसमें एरोनाटिकल इंजीनियरिंग है okay. जो यहाँ अवेलेबल भी नहीं है इंडिया mm -hmm. में उन इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर हमने उनको स्कॉलरशिप्स पर एडमिशन दिलाए हैं फ्री अकोमोडेशन उन कईयों का हुआ है तो ऐसे छोटे छोटे जो गाँवों से बच्चे हैं करीब तीन सौ से चार सौ स्टूडेंट्स हैं जो हमने अभी तक जिनको भेजा है okay. से बात करके वो किसी को भी लगेगा कि हाँ आप किसी को अगर एडवाइस करना चाहें और अगर, अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसको कामली और आई थिंक परफेक्ट एडवाइस दे पाएंगे <laughs> तो आई एम श्योर अब बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे उनके लिए क्या एडवाइस है स्पेशली स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी तरीके से किसी आई शुड नॉट से डिप्रेशन बढ़ा टेंशन में है कि आगे क्या होगा किसी भी रीजन को लेकर के बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन हमें लगता है कि इतना रिजल्ट तो आएगा हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं बट वो फुलफिल नहीं होती है तो कई सारे बच्चे उस अलग जोन में चले जाते हैं आई नो अ फ्रेंड उसकी आप बिलीव नहीं करोगे नाइन्टी टू परसेंट थी स्टिल वो रो रही थी तीन दिन तक रोई है वो औरत मतलब मुझे लगता पागल तो तो वागल हो गई है क्या एंड अभी शी इज़ वर्किंग विद हिंदुस्तान यून एव एंड वो है लंडन वो औरत <laughs> तीन दिन तक रोई है मैं उसके घर जा रही हूँ उसको कंसोल करा की भाई बेट इट्स ओके थ्री नाइनटी है यार दो बच्चे पास हो जाएंगे इसमें तू तो क्या कर रही है बट स्टिल उसका जोन उस वक्त उस वक्त अलग था क्योंकि उसने तो हंड्रेड तो परसेंट दिया था दिल मांगे मोड़ था हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वो तीन दिन तक वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली है ये तो बहुत अलग लेवल का एग्जाम्पल दिया बट ये मुझे पता नहीं, ये है ये लेवल आप <laughs> इसको ऊपर नीचे कर सकते हो बट ये सबकी यही हालत है तीन मैं दे... रोज देखता हूं। हाँ, तो क्या सबसे बड़ा इशू है है हम ना हमने लाइफ को बहुत सीरियस ले लिया है हम लाइफ को है ना बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते और हमारे बचपन से ही पता नहीं क्या हो गया है हमारे कि पहले पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं ये करो ये करो ये करो फिर हम खुद पीछे पड़े रहते हैं और हमारे लाइफ हम हमेशा आज के दस साल बीस साल आगे ही जीते अभी okay. तो हम जीना ही भूल गए hmm. कि अभी भी जीना है अभी भी है। अभी भी लाइफ uh, हाँ, है, जैसे अच्छा, हाँ, तो तो, परसों तो <laughs> <पता laughs> तो भगवान को याद नहीं है बालकनी में यहाँ से अच्छे से मरेंगे तो लाइफ तो इतनी छोटी है आपको दो मिनट का भी पता नहीं है आप टेंशन ले रहे हो दस साल बीस साल की आप एक विजन प्लान करो बट उसको इंजॉय करो आप गोल्स बनाओ उनको इंजॉय करो मिलते तो ठीक है नहीं मिलते तो और काम करना है तो आपके गोल्स है ना आपके लिए हेडेक नहीं होनी चाहिए आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए जिसको आप फन तरीके से पूरा कर सको ओके। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे को टारगेट मिल गया कभी 300 हंड्रेड रन बनाने वापस तो अब हम स्ट्रेस में थोड़ी बढ़ जाते थे कि यार ये क्या हो गया कैसे बनेंगे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई डिप्रेशन में आ गए भाई हाँ। तीन सौ का टारगेट मिलेगा कोशिश करेंगे बन गए तो सेलिब्रेट करेंगे नहीं बन गया तो अगले मैच में सेलिब्रेट करेंगे और क्या होगा तो लाइफ को अभी और यहाँ हेयर एंड नाउ अगर आप उसको नहीं जी पा रहे जिसकी सबसे बड़ी रीजन है कि हमारी जो पहले की टीचिंग टेक्निक्स थी जो टीचिंग मैथड्स थे वो सारे गायब हो गए हमने कभी ये टेंशन नहीं ली थी कि हमारे नाइन्टी आएगी कि नहीं आएगी हम उन लोगों में से थे ही नहीं हम तो कर्म करे जा फल की इच्छा मतलब हम उन लोगों में से थे ये सारा जो वेस्ट का खरा खराया है इसने सारा खराब कर दिया हमारा सिस्टम और ये आपको वेस्ट में रह के समझ में आता है <laughs> बेस्ट पार्ट इसका ही है मैं दस साल यूके के रहा हूँ मुझे तब समझ में आया okay. कि ये वेस्ट ने क्या क्या हमारे लिए खराब कर दिया मुझे इंडिया रह के समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कैसे खराब हो गई <laughs> yeah. बट आप इंडिया में देखो हर किसी को आगे की टेंशन है और हमारी गीता में लिखा कर्म करे जा फल की इच्छा मतलब क्या मतलब उसका कि अभी और यहाँ रहे जो तेरे से हो रहा है उसको तू बेस्ट कर जो भी हो रहा है अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छा संवाद हो जाए ये हमारी कोशिश है अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हम चाहें तो इसके बारे में स्ट्रेसफुल रह सकते हैं कि क्या होगा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कोई कमेंट्स क्या करेगा कोई ये क्या करेगा फिर हम ना हम शो इन्जॉय कर पाएंगे ना आपसे कम्युनिकेशन इन्जॉय कर पाएंगे ना कोई बात हो पाएगी तो स्ट्रेस वहाँ से बिल्ट होता है जहाँ रिजल्ट आपके माइंड में आ जाते हैं तो रिजल्ट्स आपको रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि कितनी भी ले लो कुछ होने वाला नहीं है और दूसरी बात आपको अभी और यहाँ में जीना है और प्रोसेस का मज़ा लेना है इन्जॉय द प्रोसेस बाय बीइंग बींगर एंड नाउ तभी आपकी लाइफ देखो आप बहुत मजा आएगा आपको फिर क्योंकि आप अगर कितना भी आप प्लान कर लो कुछ होने वाला तो है नहीं करेक्ट जरूरी थोड़ी हम नीचे जाएँ अभी हाँ। कहीं नाइन्टी नाइन आपको पता है बट देर इज़ चांसेस कि हम नीचे फ्लोर से नहीं उतर पाए तो फिर क्या टेंशन लेनी है और गोल्स आप बड़े बड़े बनाओ गोल तो इतने बड़े बनाओ कि मैं पाँच लाख करोड़ कमाऊंगा मोदी जी को मैं कहूंगा वो उनको करना पड़ेगा इतने बड़े गोल बनाओ जब गोल ही बनाने हैं तो बड़े बड़े बनाओ मोदी जी को भी नहीं तो कम से कम किसी सीएम को तो कहोगे एमएलए को ही कहोगे वो तो करेगा आपकी अगर बड़े सोच रखोगे तो कोई तो करेगा आपका कहा लेकिन हम गोल छोटे छोटे बनाते हैं और स्ट्रेस हम पूरा रखते हैं गोल हमारे ये होते हैं कि हम इस साल हमारी सैलरी बीस हज़ार है कैसे जैसे पच्चीस हज़ार हो जाए अगले साल ये आपका पूरा सपना है और आपकी तेईस होगी तो आप फिर फट गए फिर आप रोने लग गए डिप्रेशन में गए तो बड़े सपने देखो और अभी को और इस वक्त को पूरा एंजॉय करो उसमें टोटलिटी के साथ जियो ताकि आप कुछ जो भी करो उसके अंदर क्रिएशन हो क्रिएटिविटी हो वो सुंदर दिखे वो प्यारा दिखे और आपका जीवन बहुत सुंदर रहेगा क्या बात है हम श्योर बहुत सारे लोग इस बात को अपने घर लेकर के जाने वाले और अपने साथ लेकर केमर ने अभी yes. होगा वो आपको पता नहीं और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हाँ होगा क्या वो आपको पता चल जाएगा इवेंचुअली हाँ <laughs> तो अभी एग्जैक्टली सो अमर ऐसी और टिप्स के लिए आपको कहाँ फॉलो किया जा सकता है YouTube पे आप फॉलो कर सकते हो आपका यूजर नेम अगर हाँ अमर बहाडा के नाम से है चैनल जी और बाकी मेरिडियन ओवरसीज अगर आप गूगल करोगे या मेरा नाम भी गूगल करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी क्या बात है काफी फेमस हूँ मैं I'm sure वरना ये सेंटीव्यू के बाद आप हो ही जाएंगे बिकॉज़ <laughs> मैं हूं आपके साथ में ओके सो थैंक यू सो मच अमर आप यहां पर आए आपने टाइम निकाला एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे आप जो भी आप अभी अपनी जनता को बोलना थैंक यू सो मच एंड जो भी सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि हमारी इतनी आपने बात सुनी प्यार से सुनी सो इट हैज़ बिन अमेजिंग और आपसे वापस मिलते रहेंगे चलिए आई लुक फॉरवर्ड टू इट अब काफ़ी बोल लिया हमने आज <laughs> <laughs> मैं हूँ आरजे शिवांगी के साथ ओनली ऑन एफएम तड़का और आप सुन रहे हैं इवनिंग शो